हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश, मेरा नाम है राज, और पॉपुलर डिमांड पे हम लोग और भी तेरे बिन के मीम्स पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गो। पीओवी, ही मेड एवरी अदर गाय अनअट्रैक्टिव। इंडियन और पाकिस्तानी लड़कों का कट गया अभी। हम लोग इसके लिए सिंगल है मुर्तजिम के वजह से, नहीं तो हमें भी लड़की मिल जाती। वॉचिंग रोमांटिक ड्रामास विद मॉम बी लाइक एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। ये तो है। लेकिन हम लोग का सोचो यार, आप लोग सिर्फ फैमिली के सामने देख रहे हो, हम लोग हजारों लोग के सामने, एक एपिसोड से लाख से ज्यादा व्यूज है। तो और उसमें भी काफी लोग बोलते हैं कि हम लोग आपके रिएक्शंस फैमिली के साथ देखता है, तो हम लोग लिटरली फैमिली के सामने देख रहे हैं पूरा ड्रामा। मुर्तसिम नहीं आया, मुर्तसिम की बीवी आई। एपिक, बहुत ही एपिक सीन है। यहाँ सिर्फ वही होता है जो ये चाहते। क्या स्माइल भी था उसके बाद, एकदम बैठने का तरीका वगैरह भी, कितना प्राउड फील कर रही थी मीरा। मेरी बीवी है और क्या मतलब मेरी बीवी रहेगी। जबरदस्त सीन था। क्या एपिसोड डाला। हाँ, लेकिन और थोड़ा पीटना चाहिए था। और थोड़ा पीटना चाहिए था। बंदूक तो निकाल ही लिया था। बहुत इंटेंस, बहुत बहुत। और इसमें जो यमुना जैदी का जो एक्टिंग था, जो आंखों से, मतलब क्या एक्टिंग था, मतलब सच में। शर्मा गई का फोन काटी, मम्मी आ गई का, मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का। ये परफेक्ट था, बहुत बहुत, बहुत रिलेटेड था, बहुत ही। आपकी बेटी हो, उनकी बेटी हो, या पूरे खानदान की बेटी हो, मेरी वो कुछ नहीं लगती। आपकी बेटी बात है, मेरी बीवी है। कैसा पलट गया ना एकदम, पूरा चेंज हो गया। एंग्री मुर्तसिम इज हॉट बट सॉफ्टी मुर्तसिम हिट्स डिफरेंट। होता है, कितना जेंटल स्माइल है इसका। तक मारे प्यारे नहीं आ जाते, ठीक रहो, फिर चाहे अल्लाह को प्यारी हो जाना। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम चाहे माजूर हो या मरो, अपनी खुशी से। बोलते क्या है और करते क्या, एक्शंस देखो। मुर्तसिम ने तो अपने फीलिंग्स बाद में एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन मीरब नहीं करना। मीरब का ईगो बीच में आता है। एक बात पूछूं? वेट फॉर इट। मुझे बचाया क्यों था? मैं ना बचाता तो खुद भी जिंदा ना रह पाती। क्या डायलॉग था यार ये वाला। मेरा चैन ले मेरा सिम फैंस। वैसे ये वाला मैंने देखा हुआ है, आकाश ने देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं। ये इसमें ये मीम में मैं हूँ। आइडियल हस्बैंड है ये, आइडियल। कम ऑन, इधर हम लोग पिघल रहे हैं। मुर्तसिम से प्यार कैसे ना हो, कितने बार जीतेगा यार ये दिल। मुझे रियलाइज हो रहा है मैं मुर्तसिम के लिए सिंप हूँ। पूरे रिएक्शन में मैं इतना नहीं यार, तारीफ करते रहता हूँ। मैं हया की बात है तो बात अलग है। ये हया के लिए सिंप बना हुआ रहता और मैं मुर्तसिम के लिए। लेकिन दिल से खुशी होती है कि हम लोग पे भी मीम्स बन रहा। मीरब ईद पर ट्विनिंग करे मुर्तसिम ईदी दोगे नहीं। ये मस्त सीन था। मुर्तसिम आफ्टर डूइंग वॉमिटिंग एंड गेटिंग, तू मां बनने वाली हो क्या? ये अजीब था ना ये थोड़ा। एक और बार, एक और बार, तू मां बनने वाली हो। क्या है यार, जबरदस्त एडिट। मरियम और हया से बड़ी है वो, उसकी शादी की उम्र हो चुकी। वेट अ मिनट, चलो तुम उम्र में छोटी ही सही मगर रुतबे में तो बड़ी हो ना। ये एपिसोड चल रहा था तब मैंने पूछा था ना, ये मीरा बड़ी है, वैसा पूछा था मैंने। मुर्तसिम डिसाइडिंग होम टू टेक विलेज। स्किप बट व्हेन डज दिस गेम गेट फकिंग गुड। अभी तक लॉजिक नहीं समझा कि हया को क्यों लेके गया था। ऑब्वियसली माँ बेगम की गलती थी। द एज गैप हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम इन आवर रिलेशनशिप। ये इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन 2004, इंडियन फैन गर्ल 90। वाह, अच्छा अच्छा
मतलब ये आज की शादी हो चुकी है। नहीं, मैं ये मीम समझा नहीं सीरियसली। ये बोल रहे कि ये जो फैन गर्ल है हाँ। वो 2004 में पैदा हुई हुई एक इंडियन फैन गर्ल है। वो बोल रही है कि मुर्तज़िम के साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज अच्छा, कैसा वहाज में एज गैप है वहाज और इस लड़की में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम बेचारा वहाज शादीशुदा है, उसके वाइफ के बारे में सोचो। जैसे मैं कराची सभा से मिलने गई थी, जबरदस्ती मुझे ले गया, बारिश भी होती थी। मैं सच कह रही हूँ, हेलो, मुझे ख्वाब आया है। मैंने हया को दुल्हन बनते देखा है। कप चाय नहीं बनाया हमारे लिए, मैंने ये सारा खाना बनाया, प्याज काटे, आंखों में से आंसू भी आए। तू कह रही तेनू भूख ही नहीं है। कौन है मां? आज मैं देख के रहूंगी। कौन है यार? क्या एक्टिंग है? एपिसोड देखने की जरूरत ही नहीं, देख लो, देख लो, बहुत फनी था। लेकिन एक शॉर्ट रीकैप की तरह था, लेकिन शाउट आउट टू द क्रिएटर। मेरे शौहर की आधी जिंदगी तो सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था कहते हुए और मुझे मनाने में गुजर जाएगी। सॉरी यार। सीरियसली मीरब, मुझे कुछ नहीं सुनना। मीरब मीरब बेचारा मुर्तज़िम मीरब मीरब करता रहेगा। हस्बैंड मटेरियल। अच्छा मुर्तज़िम है हस्बैंड मटेरियल। उसको एंगर इश्यूज है लेकिन बहुत ही कैरिंग, बहुत कैरिंग भी नहीं देख सकता। लेकिन एक चीज है कि जिनको एंगर इश्यूज होता है वो बंदा दिल का बहुत अच्छा होता है, चाहे लोग सोचे गुस्से वाला है। लेकिन ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर पैर भी पोंछ के दिया था ना मुर्तज़िम ने, मीरब के पैर पोंछ रहा था, बहुत बहुत ही दिल जीत लिया था। लव द अटेंशन बट नो। इनके जो ये क्यूट फाइट्स होता है बहुत मजा आता है देखने में। मुर्तज़िम को अपनी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। अपनी इज्जत है मेरी और मेरी इज्जत को आप तकलीफ नहीं दे सकते। निकाल बाहर करेगा अपनी जिंदगी से। ये चाहे मुझे जान से क्यों ना मार दे, आप इसे घर से नहीं निकाल सकती। एक्सपेक्टेशन। अब रियलिटी क्या? कम ऑन रियलिटी दिखाओ। रियलिटी। ओह अरे अच्छा ही तो दिखता है यार बंदा। हाँ एक्चुअली अच्छा दिखता है। हाँ वो तो है, लेकिन बॉडी उतना नहीं है उतना ही। रियलिटी भी क्या है सही? वो इस मुर्तज़िम खान। ये सीन भी बहुत सही था। सारे ही सीन अच्छे होते हैं इसके। वहाज की वाइफ को कैसा लगता होगा? उनके हस्बैंड पर सब मर रहा है। व्हाट पीपल थिंक मैस्कुलिनिटी इज, मर्दानगी। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैस्कुलिनिटी। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा। लेकिन फिर भी मीरा भाव नहीं देती है। वो बात अलग है ना? वो बात अलग है। अभी स्लोली स्लोली कर रही है केयर। नथिंग जस्ट वॉचिंग दिस ऑन लूप फॉर इंटरनल सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छा काम किया जिसने भी एडिट किया है। sl.pk वेल डन। क्योंकि जब ये सीन आया था रियल में, मैं बस यही कंप्लेन कर रहा था कि और थोड़ा मारना हाँ। चाहिए था। दिल की जो ख्वाहिश थी वो पूरा कर दिया। हाँ। हर काम मैं तुम्हारी मर्जी से करूं? हाँ। नहीं हाँ यार, कूदने के लिए भी तैयार हो गए। ऑलमोस्ट कूदने ही वाली थी ना वो तो। फिर मुर्तज़िम ने रोक लिया। मम्मी का क्रश, वल्ला वल्ला। अच्छा शाहरुख। हमारा क्रश। अच्छा अच्छा अच्छा। बीबी का क्रश। हमारा क्रश। एक पूरा जनरेशन वो तो है। मुर्तज़िम के प्यार में गिर चुकी है वो तो है। The heart stealer.
ये फर्स्ट एपिसोड का एंट्री अभी भी याद है मुझे. When your name is Sana and he calls Sana Begum. हाँ, उसकी वाइफ का नाम. जब शादी हो गई तो मैंने अपनी बेगम से कहा, सना से मैंने कहा, ले माय हार्ट. लेकिन एक ही सना के बारे में बात कर रहा हूँ. जो सना नाम की लड़की है उन बिल्कुल खुशफहमियों में मत रहना. हाँ, जब मीरब को लगा कि गोली लग गई, हमें भी टेंशन आ गया. हमें भी ऑब्वियसली. लेकिन मुर्तजिम ऐसा नहीं करेगा, हमको पता भी था एक तरीके से. फिर भी थोड़ा सा टेंशन तो आ ही जाता. हाँ, थोड़ा सा. ब्लैंकेट पहना था. लेकिन इतना ही कह रहे तो बेड पे सोने देती. वही तो बात है. ठीक है, केयर तो करती है, अच्छी लड़की है बहुत. हाँ, ये इनका एड शूट हुआ था कोई क्लोथिंग ब्रांड का. उसमें भी इनका केमिस्ट्री देखना. यार, क्या केमिस्ट्री है. फिर भी मुर्तजिम भी लाइक, मेरी बीवी बड़े आराम से बैठी है, अभी जल्दी से जाके फ्लर्ट कर लेता हूँ. वो तो है. जो भी बच्चा है बहुत क्यूट है. एकदम नॉटी स्माइल दिया. साउंड्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, नेपट्यून, सैटर्न, पूरे अर्थ से मुर्तजिम. लेकिन बहुत, लेकिन सच कहूँ तो बहुत फैंस बन गए मुर्तजिम के, मतलब वहाज अली के. सॉरी मुर्तजिम, व्हेनेवर ही गेट्स द चांस टू स्पीक, मेरी बीवी इस गद्दी के जानशीन की बीवी मेरी बीवी है. मेरी बीवी की क्या गलती थी? मुर्तजिम की बीवी आई थी. मेरी बीवी मेरी बीवी है. मेरी बीवी मेरी बीवी है. ऑफिशियली वेडेड वाइफ. बीवी. उसके बाद भी एक और सीन था ना, वो चाय बना के देती है. हाँ. और फिर मीरब पूछती है कि चाय कैसे लगी. मीरब बोलती है फिर किसने बनाया, तो मुर्तजिम कहता है कि मेरी बीवी ने. हीरा सुमरो अबाउट वहाज अली. हाज इज अच्छा, मरियम सच अ पॉजिटिव पर्सन के वो अगर सेट पे बैठा है ना तो भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी. अच्छा, कि अच्छा ये बंदा बैठा है ना तो सब अच्छा है. वो मजाक करते तो वो बहुत मजे का मजाक करते, अब हंस हंस के पुठे पै जाना है. अच्छा, वो खामोश होते हैं, वो खामोश होते हैं, लेकिन वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं. ही हैज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी. हाँ है, दिखता है. बहुत क्वाइट भी लगता है. दिस इज हाउ एवरीवन ट्रीटेड हर. दिस इज हाउ ही ट्रीटेड हर. बीवी है, इसलिए मैं कहता हूँ मीरा बाकी सबको कितने भी बुरी तरीके से ट्रीट करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुर्तजिम को थोड़े बेटर प्यार से और प्यार की वाली नजरों से देख. और अभी ऐसा लग रहा भी है, हाय देयर हाई केमिस्ट्री. वो तो है, वही एड शूट का ना. हाँ. लगता है प्यार में है, बट नहीं बताना नहीं चाहिए. इतना अच्छे एक्टर्स है ये दोनों, इतने अच्छे एक्टर्स है कि लगता है कि सच में, लेकिन है नहीं. मैं सोच रहा था कि अपनी जोधपुर वाली जमीन और फार्म हाउस और कराची वाला बंगला अपने आने वाले नवासे के नाम कर. ये भी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग. मेरी भी काफी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने इसके आने वाले नन्हे मेहमान के नाम करने का फैसला किया. जिसे जो कुछ देना है, जिसे देना है वो करता रहे, मुझे तो सिर्फ अपने पोते का इंतजार. इंतजार तो मुझे भी है. कब प्यार करूंगी, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे. ये सही है वाला. ओवर एक्टर. ये चला था मिसअंडरस्टैंडिंग, तीन चार एपिसोड तो चली गया था. मीरब द लव गुरु. अपनी जिंदगी सीधी हो ना हो, आपके मसले 100% हम हल करेंगे. वो तो है. जुबैर और मरियम का मैच मेकिंग कर रही है. सलोन मीरब और मरियम गई थी, सर्विस ये लेकर आए हैं. Where your beard, bro? ये मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन कब मालूम है, मैं जब एडिट कर रहा था ना, देखते वक्त मुझे लगा थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन मेरे को ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये पूरा बियर्ड. मुझे तो अभी पता चला, मतलब ये मीमर्स जो है उनका नजर बहुत ही तेज है, पूरा ध्यान से देखता सब. वो चीज बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत उनके लिए भी मैं अप्रिशिएट करूंगा. और भी मीम्स वाले वीडियोस बनाएंगे हम लोग, मीम रिव्यू वीडियोस, क्योंकि तेरे बिन के और भी काफी एपिसोड्स बाकी है. तो और एक 5-10 एपिसोड हो जाए तेरे बिन के मीम्स के थर्ड
थर्ड वीडियो भी लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी एक बना चुके हैं, ये सेकंड वाला है, थर्ड भी आएगा. बट आज के लिए इतना ही. ऑल क्रेडिट गोज टू द ओरिजिनल मीम क्रिएटर्स. थैंक यू सो मच. आप लोग के वजह से हम लोग ये देख पाए, हंस पाए एंड आप लोग के साथ शेयर भी कर पाए. तो थैंक यू सो मच. अगर आपको और भी हमारे मीम वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और इस बेल आइकन को भी दबा सकते हो, चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.